हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। द प्रॉपर्टी जो डिटरमिनेंट्स दी हैं इन्हों असी देखेंगे कि इन्हों का मतलब की है, तो क्वेश्चंस नू सॉल्व करने वास्ते असी इन्हों किवें यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट साढ़े को प्रॉपर्टी है ट्रांसपोजिंग रोज इन टू कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स डज नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ट्रांसपोजिंग रोज इन टू कॉलम्स, दिस मीनस की है, अगर असी रोज़ नू कॉलम दे विच ट्रांसपोज कर देने दैन द मैट्रिक्स जिहड़ा है उसका जो डिटरमीनेंट होएगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी। इहदा मतलब की है कि जदों असी रोज़ नू कॉलम च कन्वर्ट करते हैं दिस मीनस असी ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज करन नाल उसका डिटरमीनेंट चेंज नहीं होंदा। दिस मीनस की होएगा, जो डिटरमीनेंट ऑफ ए है ये इक्वल होएगा डिटरमीनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स लानी है ए, दैट इज़ 2, 3, 4, 9। अगर इस मैट्रिक्स का असी डिटरमीनेंट फाइंड आउट करना हो डिटरमीनेंट ऑफ ए की होएगा 2, 3, 4, 9, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 2 × 9, दिस मीन्स 18 माइनस 4 × 3, 12। सो 18 माइनस 12 दैट इज़ इक्वल्स टू 6। हुण असी की करना है, इस दा ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है तो इसका असी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो की होएगा, ए ट्रांसपोज इस जो फस्ट रो है 2, 3 वो फस्ट कॉलम च कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो सैकेंड रो है 4, 9 उस सैकेंड कॉलम च कन्वर्ट हो जाएगी 4, 9। सो ए दा ट्रांसपोज होएगा। सो हुण असी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है इसका डिटरमीनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो इसका डिटरमीनेंट की होएगा 2 × 9, दैट मीन्स एक बार लिख लें असी, दैट इज़ 2, 4, 3, 9। डिटरमीनेंट ऑफ दिस दैट इज इक्वल्स टू 2 × 9, 18 माइनस 3 × 4, दैट मीनस 12। तो सेम ही आ गया साढ़े को अगेन 6। ओके क्लीयर, तो ए द डिटरमीनेंट एंड उस ट्रांसपोज का डिटरमीनेंट दोनों की है सेम है, सो सानू अलग अलग कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं है, असी डायरैक्टली रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं। उस तो बाद साढ़े को है नैक्सट प्रॉपर्टी सैकेंड। सैकेंड प्रॉपर्टीज की है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमीनेंट डज नॉट चेंज नमेरिकली। अगर असी दो रोज़ नू जा फिर दो कॉलम्स नू इंटरचेंज कर देने हैं एक दूसरे नाल, तां उसकी जो डिटरमीनेंट की वैल्यू है वो नमेरिकली चेंज नहीं होगी। ओके, बट द साइन चेंजस, तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मतलब अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सो इसका सिर्फ साइन चेंज होएगा। इस दे लिए असी एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं फॉर नैक्सट प्रॉपर्टी। दैन सपोज ए मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, सो दिस इज अ मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ दिस इज़ अ मैट्रिक्स ए विच इज 3×3, दैन डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू वी विल एक्सपेंड बाय फस्ट रो, सो दिस मीन्स 3 × ए रो एंड ए कॉलम असी छड़ देंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस 3 × 3, 9 माइनस 1 × 1 इज 1। उस बाद नैक्सट इस साइन की होएगा -1, उस तो बाद रो एंड कॉलम असी छड़ देंगे तो की आ जाएगा 1 × 3, 3 माइनस 1 × 1, 1। उस तो बाद नैक्सट वन इस द साइन की आएगा प्लस, तो यह रो एंड कॉलम छड़न तो बाद साढ़े को बचेगा 1 × 1, 1 माइनस 1 × 3 इज 3। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 3 × 8 माइनस 1 × 2 प्लस 1 × -2, सो दिस इज इक्वल्स टू 24 − 2, सो प्लस माइनस इज 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 20। सो डिटरमीनेंट ऑफ ए की आया साढ़े को 20। हुण असी की करांगे, जो इस दे दो कॉलम है उसनों मैं इंटरचेंज करूँगी, फस्ट कॉलम एंड सैकेंड कॉलम, तो साढ़े को न्यू मैट्रिक्स जो बनया तो की आएगा, जो फस्ट कॉलम है उसकी जगह सैकेंड एंड सैकेंड की जगह फस्ट, सो पहला मैं सैकेंड कॉलम लिखूँगी फस्ट की जगह पर, उस तो बाद की करूँगी जो फस्ट कॉलम है उसनों सैकेंड थे, एंड जो थर्ड कॉलम है वो सेम एज रहेगा 1, 1, 3,
ओके सो हुण असीं इस दा डिटरमिनेंट देखांगे की आएगा सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू फस्ट रो नाल एक्सपेंड करांगे तो फस्ट रो नाल वन वन का रो कॉलम छड़ के साडे कोल आएगा वन इंटू थ्री थ्री माइनस वन इंटू वन वन उस तो बाद नैक्सट साइन माइनस थ्री इंटू ए रो कॉलम छड़ गए थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस वन इंटू वन वन उस बाद नैक्सट साइन प्लस वन इंटू ए रो कॉलम नू छड़ांगे थ्री इंटू वन थ्री माइनस वन इंटू वन वन सो दैट इज इक्वल्स टू वन इंटू टू माइनस थ्री इंटू नाइन माइनस वन इज एट प्लस वन इंटू थ्री माइनस वन टू सो दिस इज इक्वल्स टू टू माइनस ट्वेंटी फोर प्लस टू सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी ओके क्लीयर सो हुण देखो साडे कोल की आया रिजल्ट जदों असीं दो रो नूं इंटरचेंज किया तो दैन साडे कोल मैट्रिक्स की आया माइनस ट्वेंटी पहला साढ़े को डिटरमीनेंट जो आया से उसका आंसर कितना सी ट्वेंटी एंड जो असी दो कॉलम्स नू इंटरचेंज करता तो साढ़े को डिटरमीनेंट कितना आया माइनस ट्वेंटी सो क्लीयर है ये प्रॉपर्टी हुण असी किसी भी रो नू चेंज करांगे दैन भी साढ़े को आएगा अगर असी फर्स्ट ते सैकेंड रो नू चेंज कर रहे हैं आपस दे विच तो दैन भी साढ़े को रिजल्ट आएगा साइन चेंज हो जाएगा ओके क्लीयर दैन नैक्सट प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की है थर्ड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम आर जीरो दैन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो अगर साढ़े कोई डिटरमिनेंट होंदा उस दे विच की है सारे दे सारे एलीमेंट्स जां तां वो एलीमेंट्स रो दे हो सकते हैं जां वो एलीमेंट्स कॉलम दे हो सकते हैं और अगर सारे जीरो है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू की होएगी जीरो देखो सपोज करो असी एक एग्जाम्पल लैने जीरो टू थ्री जीरो वन फाइव जीरो सिक्स नाइन सपोज ये साढ़े को एक मैट्रिक्स है जिदी पूरी रो की है साढ़े को जीरो और इसका असी डिटरमिनेंट सॉल्व करांगे सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट दिस तो हुण देखो असी अगर इसनों खोलांगे तो की आएगा साढ़े को फर्स्ट जो है दैट इज़ इक्वल्स टू असी कॉलम जीरो है ना तो कॉलम दे नाल ही अगर असी इहनू खोलांगे तो साढ़े कोल की आएगा फर्स्ट एलीमेंट जीरो इंटू जो साढ़े कोल मैट्रिक्स बचता है दिस मीनस वन फाइव सिक्स नाइन उस तो बाद नैक्सट सैकेंड एलीमेंट माइनस साइन जीरो दैन साढ़े कोल जो मैट्रिक्स बचेगा टू थ्री सिक्स नाइन प्लस थर्ड एलीमेंट इंटू जो ये मैट्रिक्स बचेगा टू थ्री वन फाइव हुण इस तो सानू क्लीयर है कि इस दे नाल जो मल्टीप्लाई दे विच है जीरो है इस दे नाल भी मल्टीप्लाई च जीरो है इस दे नाल भी मल्टीप्लाई दे विच जीरो है सो जो ये मैट्रिक्स है डिटरमीनेंट है टू क्रॉस टू तो इनू सॉल्व करके कुछ भी आ सकता साढ़े कोल इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैगा बिकॉज नाल साढ़े कोल की है जीरो मल्टीप्लाई च सो इतों भी साढ़े कोल जीरो आएगा इतों भी साढ़े कोल जीरो आएगा तो इतों भी साढ़े कोल जीरो आएगा सो साढ़े कोल मैट्रिक्स की टोटल वैल्यू जो है सॉरी डिटरमिनेंट की टोटल वैल्यू की आएगी जीरो आएगी ओके क्लीयर तो जे कोई रो साढ़े कोल जीरो 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 है तो असी उस रो मतलब जिहड़ी भी रो या जिहड़ा भी कॉलम साढ़े कोल जीरो जीरो है असी उस दे नाल एक्सपेंड करांगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू की आएगी ऑलवेज जीरो ओके सो ये साड़ी थर्ड प्रॉपर्टी सो नैक्सट साड़ी है फोर्थ प्रॉपर्टी दे विच की है इफ द एलीमेंट्स ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ आर डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रपोर्शनल टू द करोसपोंडिंग एलीमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ जीरो जे साढ़े कोल दो रो जां कोई भी दो कॉलम डिटरमिनेंट दे विच सेम हो जाण आइडेंटिकल हो जाण आइडेंटिकल मतलब दोनों की वैल्यू सेम होवे एंड प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल की हुंदा है एक जोड़ा रो है उसनू किसी भी एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करके जां डिवाइड करके साडे कोल दूसरी रो बनी होवे तो इहदा मतलब हुंदा प्रपोर्शनल तो इस टाइप जां कोई भी दो जां कोई भी दो रो जां कॉलम साडे कोल आउंदे मैट्रिक्स च तो उहनां दा डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो होएगा फॉर एग्जाम्पल असीं एक मैट्रिक्स लैने हैं बी सपोज दिस इज़ वन टू वन टू
तो यह फस्ट मैट्रिक्स इस टाइप का है जिस दोनों रोज़ आइडेंटिकल है, मीनस सेम है, फस्ट रो भी 1 2 है, सैकेंड रो भी 1 2 है, तो इसका डिटरमिनेंट की होएगा 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 1 2 मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 into 2 इज 2 माइनस 1 into 2 इज 2, सो 2 minus 2 इज 0। सो इसका डिटरमिनेंट की हो गया साढ़े को 0। सेम एज असी कोई होर मैट्रिक्स सी है सपोज करो, तो सी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो इस जो है कॉलम सेम लै रहे हैं, तो सेम कॉलम है दोनों, दोनों कॉलम सेम है, तो यह डिटरमिनेंट की आएगा 3 into 5 इज 15 माइनस 5 into 3 इज 15, सो 15 minus 15 इज अगेन 0। तो कोई भी रो इक्वल हो जा कॉलम इक्वल हो तो साढ़े को आएगा डिटरमिनेंट 0। इस तो इलावा असी होर कोई मैट्रिक्स लैने, सपोज करो एक ए मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के साढ़े को होएगा एक जो रो है दूसरे की मल्टीपल लै लें, प्रोपोर्शनल का मतलब होंगे मल्टीप्लाई, सपोज 1 2 साढ़े को एक रो है, तो दूसरी रो मैं क्या करती हूँ 3 नाल मल्टीप्लाई करके ए रो लै लें, ठीक है। सो 1 नू 3 ना मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 2 नू 3 ना मल्टीप्लाई करेंगे 6, ठीक है। तो यह साढ़े को मैट्रिक्स किमें है कि जो भी फस्ट रो है उसनों अगर असी 3 ना मल्टीप्लाई कर दिए तो सैकेंड रो आ जाती है, मीनस दोनों रो आपस में प्रोपोर्शनल है, तो दैन भी इसका जो डिटरमिनेंट है वह की होएगा 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 6, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 into 6 इज 6 माइनस 3 into 2 इज 6, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्लीयर दिस प्रॉपर्टी। एंड दैन इस तो बाद साढ़े को नैक्सट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी दे विच की है इफ ईच इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी लैमडा, लैमडा मीनस की है, तो साढ़े कोई कॉन्सटेंट है, इस वैल्यू 2 3 5 कुछ भी हो सकती है, द वैल्यू ऑफ द होल डिटरमीनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय लैमडा। अगर साढ़े को एक मैट्रिक्स है उसके किसी रो नू जा किसी कॉलम नू एक कॉन्सटेंट नाल मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके जो डिटरमीनेंट का आंसर होएगा उसनों भी सेम कॉन्सटेंट नाल मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, क्लीयर। सो इस दे विच देखो अगर मैं यही मैट्रिक्स लै लवा, सपोज ए दी वैल्यू इज 2 3 4 9, ओके 2 3 4 9 है, तो इसका डिटरमिनेंट की आएगा, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 9, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 into 9 इज 18 माइनस 4 into 3 इज 12, सो दिस मीन्स 18 minus 12 इज 6। सो साढ़े को ए का जो डिटरमिनेंट है वह आ रहा है 6, तो हूँ मैं की करूँगी इस 3 नाल मल्टीप्लाई करूँगी जो एक कॉलम है, ठीक है, असी किसी भी रो या किसी भी कॉलम नू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो मैं सैकेंड कॉलम नू 3 नाल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यह साढ़े को एक नवा मैट्रिक्स आ जाएगा 2 4, ये सेम रहेगा 3 into 3 9 एंड 9 into 3 इज 27। ओके, तो इसका अगर हूँ मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूँगी तो हूँ की आएगा, सो दिस इज 2 into 27 माइनस 4 into 9, सो दिस इज इक्वल टू 2 into 27 इज 54 माइनस 4 into 9 इज 36, सो दिस इज इक्वल्स टू 18। ओके, तो देखो हूँ साढ़े को प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, अगर जो ए मैट्रिक्स है उसका मैं डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो डिटरमिनेंट कि आ रहा 6, तो जो मैं इस कॉलम नू 3 ना मल्टीप्लाई किया तो साढ़े को मैट्रिक्स बन गया, तो इसका डिटरमिनेंट की आएगा, सिंपली इसका डिटरमिनेंट जो आ रहा है उन्होंने 3 ना मल्टीप्लाई की तो कि आ रहा 18, ठीक है, क्लीयर है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट जो है उन्होंने असी सॉल्व किए बिना दस सकते कि वह आंसर 18 आएगा, क्लीयर। इधर 2 x 2 मैट्रिक्स है साढ़े को, अगर असी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 x 3 लवेंगे तो सानू होर भी ईजी रहेगा, असी विदाउट कैलकुलेशन किए असी डायरैक्टली दस सकते हैं कि यह आंसर किन्ना आने वाला है। उस तो बाद साढ़े को नैक्सट प्रॉपर्टी है 6, इफ ईच एलीमेंट ऑफ अ डिटरमीनेंट ऑफ
सपोज करो साढ़े को जो डिटरमिनेंट अगर 3x3 ऑर्डर का है इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी के, सपोज करो असी एक मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट है उस डि उसनों असी सॉल्व कर रहे हैं के नाल मल्टीप्लाई करके हरेक एलीमेंट्स नू, हरेक एलीमेंट्स नू मीनस मैट्रिक्स के विच सारे एलीमेंट्स नू के नाल मल्टीप्लाई किया, दैन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट सो ऑबटेन्ड इज़ के रेज़ टू पावर 3 टाइम्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मीनस जो ए वाली प्रॉपर्टी है वह इस फिफ्थ प्रॉपर्टी की ही जर्नेलाइज फॉर्म के है। इस दे विच देखो असी की किया होया सी, जो ये मैट्रिक्स लिया सी ये मैट्रिक्स सीगा 2x2 ऑर्डर, ठीक है। तो ये 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स दे विच की सीगा असी सिर्फ एक कॉलम दे नू इस 3 नाल मल्टीप्लाई किया, तो जो इहदा डिटरमिनेंट है वह किहदे नाल मल्टीप्लाई हो गया 3 दे नाल। ओके, तो हुण इसनू असी जर्नेलाइज करते हैं, फिलहाल 2x2 मैट्रिक्स दे लई जर्नेलाइज कर रहे हैं इसनू। तो इहदे हरेक एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करना सी, तो हुण असी की करांगे असी सारे मैट्रिक्स नाल 3 नू मल्टीप्लाई करते हैं, तो साढ़े कोल मैट्रिक्स की आएगा है सारे एलीमेंट्स नाल 3 नू मल्टीप्लाई करके 6, 3 × 3 9 एंड 3 × 4 12 एंड 3 × 9 इज़ 27 ये बनेगा। तो यह डिटरमिनेंट सॉल्व करो, हुण की आएगा दैट इज़ इक्वल्स टू 6 × 27 −12 × 9। सो 6 × 27 दैट इज इक्वल्स टू 162 −12 × 9 इज़ 108। सो दिस इज इक्वल्स टू 54। ओके, क्लीयर है। तो यह साड़ी प्रॉपर्टी देखो होल्ड हो रही है बिकॉज साढ़े को 2x2 मैट्रिक्स है। तो इस होगा जो असी लैमडा जिद असी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वह स्केयर ये मल्टीप्लाई होकर इन्ने टाइम्स द डिटरमीनेंट ऑफ 6 आएगा, ठीक है, क्लीयर है। देखो साढ़े को 6 आया सी डिटरमीनेंट, तो 6 नूं ये मल्टीप्लाई करो, असी मल्टीप्लाई किन्ने नाल कीता 3 नाल। सो दिस मीन साढ़े को लैमडा की वैल्यू इतने किन्नी है 3, तो लैमडा स्केयर की वैल्यू साढ़े को किन्नी होगी 3 द स्केयर, दिस मीनस 9। ओके, तो पहला साढ़े को जो डिटरमीनेंट आया वह किन्ना है 6, तो 6 नूं अगर असी 9 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े को डिटरमीनेंट किन्ना आएगा 54। तो देखो वेरीफाई हो रहा है और ये वेरीफाई हो रहा 2x2 मैट्रिक्स नाल बिकॉज ये रो जां कॉलम जिदे नाल असी मल्टीप्लाई किया वह किन्ने 2। अगर असी 3x3 मैट्रिक्स लवेंगे उस दे विच मल्टीप्लाई करांगे तो दैन साढ़े को आ जाएगा लैमडा की पावर 3 नाल मल्टीप्लाई करना पेगा। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी साढ़े को असी इस कर रहे सी कि उहदे विच की है अगर के नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के रेस टू पावर साढ़े को कितना होएगा 3 होएगा बिकॉज इतने मैट्रिक्स की लेता होया 3x3 एंड 3x3 दे विच अपने को होंदा है रो जो कॉलम जिन्हां नू भी तुसी मल्टीप्लाई कर रहे हो वह 3 होंदे है। आई होप थोनू ये समझ आ गया हुणे, तो होर एग्जाम्पल्स लैके असी होर अगे डिटेल दे विच इस प्रॉपर्टी नू अप्लाई करना भी सीखांगे। तो नैक्सट साढ़े को प्रॉपर्टी है 7th एंड 8th प्रॉपर्टी। 7th एंड 8th प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली दोनों सिमिलर ही है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल असी देखेंगे 8th प्रॉपर्टी जो है इफ द एलीमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज सम और डिफरेंस, इतने सम भी हो सकता किसी एलीमेंट्स का जो डिफरेंस भी हो सकता है ऑफ टू और मोर एलीमेंट्स दैन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रैसड एज सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। तो उसनों की है असी सैपरेट करके दो डिटरमिनेंट की फॉर्म के लिख सकते हैं। सपोज करो साढ़े को एक मैट्रिक्स है दैट इज़ a1+x b1+y c1+z, ठीक है, एंड a2 b2 c2 एंड थर्ड रो इज़ a3 b3 c3। तो यह साढ़े को है डिटरमीनेंट है, तो इस डिटरमीनेंट नूं असी सॉल्व करना है। तो इस डिटरमीनेंट नूं थोड़ा ईजी बनाने दे लई असी की करांगे दो मैट्रिक्स दे विच इस नूं कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज जो फर्स्ट रो है वह की है साढ़े को किसी दो एलीमेंट्स का सम है। तो जो फर्स्ट एलीमेंट है उसी फर्स्ट मैट्रिक्स के लिखांगे, सो a1 a2 a3। सो सैकेंड जो फर्स्ट एलीमेंट है b1 b2 b3,
जो थर्ड दे विच फर्स्ट एलीमेंट है C1 C2 C3 दिस डिटरमीनेंट प्लस की करना है सी जो हुण लास्ट साढ़े को सैकेंड सैकेंड एलीमेंट बचा इस दे नाल असी मैट्रिक्स बनावांगे तो यह आएगा साढ़े को एक्स वाई एंड जैड बाकी जो रो टू रो थ्री है वह सेम रहेंगे उन्हां दे विच कोई भी डिफरेंस नहीं होगा दोनों मैट्रिक्स दे विच रो टू रो थ्री सेम एस ओके तो यह मैट्रिक्स का जो आंसर होएगा इसनों सॉल्व करके तुसी चैक कर सकते हो यदा जो आंसर होएगा वह कि इक्वल होएगा डिटरमीनेंट ऑफ दिस प्लस डिटरमीनेंट ऑफ दिस तो दोनों तो सानू सेम आंसर मिलेगा तो यह साढ़े लिए ईजी होएगा कि असी इन्हों दोनों सॉल्व कर लिए ओके सो यह से साड़ी एट्थ प्रॉपर्टी तो इस दे नाल ही रिलेटड है सैवंथ प्रॉपर्टी तो सैवंथ प्रॉपर्टी दे विच की है द एडिशन ऑफ अ कॉन्सटेंट मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू अनदर रो और कॉलम लीव्स द डिटरमीनेंट अनचेंज असी किसी एक रो नू जा फिर कॉलम नू किसे कॉन्सटेंट नाल मल्टीप्लाई करांगे मल्टीप्लाई किदे नाल करनी किसी भी कॉन्सटेंट नंबर नाल तो दैन असी की करना है उन्हों किसे होर रो दे विच ऐड कर देना है तो उस दे नाल की होएगा डिटरमीनेंट अनचेंज रहेगा तो डिटरमीनेंट नू कोई भी फर्क नहीं पेगा क्लीयर तो इस दे नाल असी की करते हैं एक एग्जाम्पल लैके इस क्वेश्चन नू सॉल्व करांगे सपोज करो साढ़े कोल जो है एक क्वेश्चन A1 प्लस के टाइम्स A2 A3 द B1 प्लस के टाइम्स B2 दिस इज B2 एंड दिस इज B3 ओके एंड नेक्स्ट इज C1 प्लस के टाइम्स C2 C3 ये साढ़े को एक डिटरमीनेंट है तो इसनों असी की लिख सकते हैं जिमें हमने असी एट्थ प्रॉपर्टी के देखा हुआ सी इसनों असी सैपरेट करके लिख सकते हैं बिकॉज ये दो एलीमेंट्स जो है उन्होंने सम लिखा हुआ है तो असी इनू कन्वर्ट कर सकते हैं दो डिटरमीनेंट के एक फस्ट के असी फस्ट फस्ट एलीमेंट लवेंगे सो दैट इज़ A1 B1 C1 एंड बाकी दियाँ दो रोज़ जिहड़ियाँ है सेम रहनगियाँ A2 B2 C2 A3 B3 C3 ओके तो प्लस एक नैक्सट डिटरमीनेंट नैक्सट के की करना सी सैकेंड एलीमेंट लवेंगे तो यह सैकेंड एलीमेंट की होंगे K A2 K B2 K C2 तो बाकी दो रोज़ सेम A2 B2 C2 A3 B3 C3 ओके सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए जो मैट्रिक्स है वो सेम रहेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस जो ए मैट्रिक्स है इस दे विच देखो जे फस्ट रो असी देखिए तो फस्ट रो नाल के मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इस दे विचों मैं फस्ट के है जो है वो कॉमन कर सकती हूँ तो इस दे विचों के कॉमन आ जाएगा तो बाकी साढ़े कोल की बचेगा मैट्रिक्स A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ओके तो हुण असी अगर इस मैट्रिक्स नू देखांगे तो इस दी जो फस्ट रो है तो जो सैकेंड रो है वह दोनों रोज़ की है सेम तो दो रो या दो कॉलम किसी मैट्रिक्स से अगर सेम हो जाते हैं आइडेंटिकल हो जाते हैं तो दिस मीनस की हो जाता है इस दा डिटरमीनेंट जीरो होएगा तो हुण साढ़े कोल की आ जाएगा इस दा डिटरमीनेंट जीरो सो दिस मीनस एक ये इक्वल होया साढ़े कोल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ए मैट्रिक्स का जो ए डिटरमीनेंट है सिर्फ इस दे इक्वल होएगा साडा आंसर तो असी स्टार्ट कितों किया क्वेश्चन असी स्टार्ट किया इस तो यदा आंसर कि इक्वल आया इस डिटरमीनेंट के इक्वल सो इन दोनों डिटरमीनेंट का आंसर सेम है सो इतों साढ़े को अप्लाई होएगा जो ए मैट्रिक्स है एक्चुअल दे विच इस तो अगर असी ए मैट्रिक्स बनाईए तो किवें बनया होया सी असी किया जो सैकेंड रो है सैकेंड रो नू मल्टीप्लाई किया बाय के उस तो बाद असी की किया फस्ट रो दे विच ऐड करता मीनस इस ते ऑपरेशन लग्या होया सी रो वन नू बनाउण लई की किया
की नाल मल्टीप्लाई किया रो टू ना एंड उसनू ऐड करता रो वन दे विच, ठीक है। सो ये की बन जाएगा मल्टीप्लाई जो तो के नाल करांगे के ए टू, उस तो बाद विच ऐड करता रो वन मतलब ए वन, तो साढ़े को आ गया ए वन प्लस के ए टू। सिमिलरली के बी टू विच ऐड की किया बी वन, तैन असी लिख लिया बी वन प्लस के बी टू। तो सिमिलरली ये किया के सी टू प्लस ऐड किया विच सी वन, तो सी वन प्लस के सी टू ए बन गया। तो इहदा मतलब की है जो असी हुणे सैवंथ प्रॉपर्टी की सी कि जदों किसी कॉन्सटेंट नू किसी रू नाल मल्टीप्लाई करके किसी होर रू दे विच असी उहनू ऐड कर दिंदे आ तो दैन डिटरमीनेंट जो है वह अनचेंज रहिंदा है। ओके क्लीयर। तो इस दे नाल साडियां जो सारिया प्रॉपर्टीज़ है ये एक बार ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस दे नाल मैं थोनू एक चीज़ होर दसना चाहनी है जो बहुत इंपोर्टेंट है। उस दे विच की है कि अगर साढ़े कोल एक मैट्रिक्स है ए, तो अगर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, सपोज करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन, एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इसनों थ्री ना मल्टीप्लाई करना है, दिस मीनस थ्री ना मल्टीप्लाई करूँगी तो थ्री ए की होएगा, बिकॉज एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स से असी पहला ऑलरेडी कर चुके हैं कि थ्री ना मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मीनस सारे एलीमेंट्स नाल मल्टीप्लाई होंगे, दिस मीनस ये की आएगा थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सैवन, यही आएगा ना। जां फिर असी उल्टा कह दिए कि जे मैं इस दे विचों थ्री कॉमन कढ़ना होवे तां सिंगल थ्री बार आएगा सारे मैट्रिक्स दे विचों, पर अगर मेरे कोल ए दा डिटरमीनेंट है तो मैं एक डिटरमीनेंट दे विचों थ्री नू कॉमन कढ़ना है। सपोज दिस इज़ अ डिटरमीनेंट ऑफ थ्री ए, ओके, तो इस दे विचों की होएगा फिर ओनली वन थ्री कॉमन नहीं आएगा, थ्री रेज टू पावर थ्री कॉमन आएगी। समझ आया मैं की कह रही हूँ, थ्री रेज टू पावर थ्री, बिकॉज जदों साढ़े को एक डिटरमीनेंट फॉर्म के असी इस लिख लें थ्री सिक्स नाइन, सपोज यही है साढ़े को थ्री ए, यदा असी की किया हूँ डिटरमीनेंट, ये हूँ मैट्रिक्स से पहला जो डिटरमीनेंट कन्वर्ट हो गया। ओके, हूँ इस मैं डिटरमीनेंट के थ्री बार कढ़ना है, तो हूँ थ्री बार किमें आएगा साढ़े को किसी एक रो के, इस रो के क्ढा थ्री बार आएगा, इस रो चो एक थ्री आएगा, इस रो चो एक थ्री आएगा, तो दिस मीनस साढ़े को तीन बार थ्री जो है वो कॉमन आएगा, थ्री की पावर किन्नी होएगी थ्री। ओके, तो यह मैट्रिक साढ़े को किन्ना आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नाइन, तो सिंपली असी इसका डिटरमीनेंट सॉल्व कर सकते हैं, तो डिटरमीनेंट का जो भी आंसर आएगा।